नशा मुक्ति अभियान को लेकर 23 नवंबर को होगा मैराथन दौड़। मखान स्वाद मिथिला स्टॉल का हुआ शुभारंभ, डीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा चलाया गया सघन जांच अभियान, बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। दिघी स्थित रोज द मेडिसिटी अस्पताल में नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का किया गया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मोती महल के पास एक पोखरे में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शिक्षक एवं कर्मी ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावी ने विधायक कोष से 4 वार्डों में किया मिनी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन। दरभंगा के सांसद ने नगर विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर में ग्राहक जागरूकता सम्मेलन का किया शुभारंभ। दो बाइक के टक्कर में एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व की समाप्ति के बाद बड़ी अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए आरपीएफ ने संभाला कमान। नशा मुक्ति अभियान के तहत 23 नवंबर गुरुवार को पूर्वाह्न 7 बजे से 5 किलोमीटर एवं 7:30 बजे से 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान से आयोजित होगा। वहीं 5 किलोमीटर के मैराथन दौड़ का रूट चार्ट नेहरू स्टेडियम से लोहिया चौक, दारूभट्टी, कमर्शियल चौक, लहरियासराय टावर, चट्टी चौक, परिषदन आयुक्त आवास, हाउसिंग बोर्ड मोड़, केएम टैंक होते हुए नेहरू स्टेडियम निर्धारित की गई है। वहीं 10 किलोमीटर के मैराथन दौड़ के लिए निर्धारित रूट चार्ट नेहरू स्टेडियम से लोहिया चौक, दारूभट्टी, नाका नंबर 6, कर्पूरी चौक, बेता चौक, लहरियासराय टावर, दरभंगा कलबइन डोर स्टेडियम के बगल से होते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा को इस मैराथन के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया। साथ ही उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 3,000 रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 2,000 रुपये तथा प्रमाण पत्र जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। दरभंगा समाहरणालय के परिसर में जिला सूचना भवन के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के बगल में मखान स्वाद मिथिला का स्टॉल का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर स्टॉल के संचालक तथा प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन ने जिलाधिकारी अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार, उप निदेशक सांख्यिकी शंभु प्रसाद, जिला उद्यान पदाधिकारी नीरज कुमार झा, श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन, डीडीएम नाबार्ड राजनंदी को मखान से बने विभिन्न व्यंजन खिलाकर जिसमें मखान खीर, मखान बिस्किट, मखान अनरसा, मखान नमकीन का स्वाद चखाया। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि दरभंगा सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा मौलागंज के मेसर्स मोनू स्वीट्स एंड वैष्णव भोजनालय से 1 बाल श्रमिक तथा एकमी घाट के दरभंगा गैरेज डेटिंग वर्कशॉप से 1 बाल श्रमिक, इसी प्रकार से कुल 2 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। वहीं श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया एवं बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
दरभंगा के दिग्घी स्थित रोज द मेडिसिटी अस्पताल में नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा सिविल सर्जन अनिल कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एवं संस्था संचालक मृदुल कुमार शुक्ला, गुंजन शुक्ला एवं वैभव दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संस्था का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था के संचालक के द्वारा नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यह मिथिला की धरती दरभंगा शहर में पहली बार नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण संस्था का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग 3 माह की होगी, जिसमें क्लासरूम प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण शामिल होगा। पेशेंट को कैसे सेफ करेंगे, कैसे उनका ख्याल रखेंगे, खिलाने पिलाने से लेकर के सब चीज का पूरा आपने विस्तृत बताया। ट्रेनिंग का पार्ट देना है तो चाहेंगे कि छोटे और साथी में दोनों आदमी मिल के इसमें सहयोग करें। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में उस समय अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब मोती महल के पास स्थित एक पोखरे में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव को पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में लेकर DMCH भेज दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन यह किसकी है इसकी अभी जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। डेड बॉडी मिला है, कौन सा जगह है सर? ये मोती महल पोखर। कहाँ का पूछे सुनानो? हम तो अभी सुबह से 7 बजे से हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग साफ कराते जब कैंटीन के पास आए हैं तो हमको कोई जानकारी मिला है कि यहाँ पे मान मोती महल में कोई लाश है, तो हम लोग जाके इसका खोज देखे, जाकर चेक किए तो वाकई में एक लाश था। हमको लग रहा है कि एक दिन का या 2 दिन का होगा, ज़्यादा लाश खराब भी नहीं हुआ है। तो हम लोग चेक किए, फिर इसका सूचना हम लोग पुलिस को प्रशासन को दिए, उसको निकाल के ले गया है। और देखिए आप क्या होती है, देखने से क्या लगा आपको? देखने से तो हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या, लेकिन आपको प्रशासन इसकी छानबीन करेगी। आपने चेहरा देखा उसका? चेहरा से हमको क्या, चेहरा से देखने से थोड़ी पता चलता है, छानबीन आप करेगी प्रशासन। आप प्रशासन समझेगी क्या है नहीं है, और जान पहचान की नहीं लग रही, इधर का नहीं लग रहा, आप क्या है नहीं है सो तब तो प्रशासन के ऊपर है। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर समस्तीपुर के राम लखन सिंह राम स्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय शिवाजी नगर के कॉमर्स के प्राध्यापक डॉक्टर कुशेश्वर सहनी एवं लिपिक पद पर कार्यरत कर्मी प्रमोद दास अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। विगत करीब 20-25 वर्ष से हम लोग स्थापना काल से राम लखन सिंह राम स्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय समस्तीपुर में कार्यरत थे। किस पद पर? क्लर्क लिपिक पद पर थे। वहाँ पर क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर ये भ्रष्ट प्रचार जो है सबों को स्थापना काल से हटा करके नया सिरे से मोटी रकम लेकर के बहाली किया गया है। अनियमितता का इसका जाँच हो, नया कमिटी शासी निकाय बनाया जाए और हम लोगों को पुनः रखा जाए। कितने दिनों से कार्यरत है? कार्यरत हम लोग करीब 20-22 वर्ष से वहाँ कार्यरत थे। विश्वविद्यालय में पत्राचार हुआ? जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर विजिलेंस का जांच भी हुआ है, एक प्रोफेसर थे उनको मार दिया गया या कि खुद मर गया वो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन एक विजिलेंस में जांच गया था वो मर गया, वो अभी प्रोफेसर भी है, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर थे। दरभंगा शहर के 4 वार्डों में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी ने विधायक कोष से निर्मित मिनी जलापूर्ति योजना का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि जल संकट से छुटकारा के लिए वे प्रतिबद्ध है। मिनी जलापूर्ति योजना से पानी की समस्या का निदान किया गया, यह स्थानीय लोगों के लिए एक काफी लाभकारी सिद्ध होगी। वहीं विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक कोष से दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 10 के बड़ा बाजार मोहल्ले में हजारी मंदिर के निकट, वार्ड संख्या 46 के कबील पूर्व, वार्ड संख्या 31 के भीगो जमालपुर मोहल्ला में सहनी टोला एवं वार्ड 22 के शिवाजी नगर में योजना का शुभारंभ हुआ। इन सभी स्थानों पर मिनी जलापूर्ति योजना के लिए स्थानीय लोगों की मांग थी। इस दौरान उन्होंने लोगों से बेवजह पानी की बर्बादी नहीं करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जल के रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, जितना जरूरत हो उतना ही जल का उपयोग करें। बुधवार को दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर में आयोजित ग्राहक जागरूकता सम्मेलन का दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने
फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों की चर्चा की। जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी को पाग चादर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। दरभंगा सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपने घर छातापुर बाइक से आ रहे वीरेंद्र दास नामक युवक को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर अचेत अवस्था में गिरा हुआ था। वहीं आने जाने वाले राहगीरों ने उसे देख उसके पॉकेट से मोबाइल निकालकर परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल उसे DMCH में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल वीरेंद्र दास की उम्र 30 वर्ष है। इसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें लगी है। कल शाम का समय में लगभग 6-7 बजे हुआ है। बैग से जो है ई भी जा रहा था अपने घर की तरफ, उसको बैग से जो है ठोक दिया। वो इसे पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो मुसाफिर सब यानी रास्ता में चलने वाले सब मोटरसाइकिल वाला रोक करके देखा, क्योंकि जेब से मोबाइल इसका निकाला तो फोन लगाया, तो फोन पर हम लोग को मालूम हुआ। तब वहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ पड़ा हुआ था, तो उठा पुछा करके बोझ करके मोटरसाइकिल पर लाए हॉस्पिटल त्रिवेणीगंज रेफरल हॉस्पिटल। फिर वहाँ से रेफर्ड हो गया, तो यहीं से आए। छठ पर्व की समाप्ति के बाद प्रदेश लौटने वाले यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए बुधवार को RPF के जवानों के द्वारा कमान संभाला गया। तो ही दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता जाने के लिए सबसे ज्यादा यात्री दरभंगा स्टेशन पहुंचे थे, जिसे RPF के जवानों के द्वारा लाइन में खड़ा कर एक एक कर उनके सीट पर बैठाया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई अफरातफरी की स्थिति न उत्पन्न हो और कोई अनहोनी न हो। साथ ही कोई भी यात्री का किसी प्रकार का कोई सामान न छूटे।